क्या आपको लगता है कि सरकार जो है हमारी आवाज उठाने से मनीष कश्यप को बाहर आने देगी? देखिए, बाहर नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अच्छा आप बताइए, आप तो महिला है, आप क्या करने आई है यहाँ पे? जी साथ देने आए हैं, और क्या करने आएंगे, रैली को सफल बनाने आए हैं। उद्देश्य क्या है इस रैली का, उद्देश्य क्या है बताइए, कष्ट थोड़ा बोलिए। मनीष कश्यप को बाहर निकालना, यही उद्देश्य है। और आपको लगता है कि हमारे रैली करने से हम सबके आवाज उठाने से मनीष कश्यप बाहर आएंगे? बाहर नहीं आएंगे, ये कानून पे निर्भर है वो, लेकिन नेता पे तो जरूर पड़ेगा, असर तो पड़ेगा, सरकार पे तो असर पड़ेगा। आवाज नहीं उठाए इसका मतलब? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग आवाज नहीं उठाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे, और जब तक इसमें जान रहेगा ना, तब तक, जब तक मनीष कश्यप रिहा नहीं होंगे और जब तक शरीर में जान रहेगा, जब तक हम लोगों को जो है, हम लोग को जो है डराया जा रहा है आजकल, हम लोग छोटे छोटे पत्रकारों को डराया जा रहा है, हम लोग पे उनपे एनएसए लगा के कहीं ना कहीं हम लोगों को डराने का कोशिश किया गया और जो है दबाने का कोशिश किया गया। क्यों बांधा जा रहा है आपको? क्योंकि हम लोग सच्चाई दिखाते हैं, नाला दिखाते हैं, सड़क दिखाते हैं, गरीब का आवाज उठाते हैं, इसलिए। देखिए हमारे बिहार के सांसद, विधायक, नेता, ब्लॉक प्रमुख, उप सभापति, सभापति, नगर निगम मुखिया, तमाम लोग ये सभी चोरी करते हैं, सभी चोरी करते हैं, रोड में चोरी करते हैं, नाला में चोरी करते हैं, रोड में चोरी करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य में चोरी करते हैं। बताइए ना, जब से मनीष कश्यप भीतर गए हैं, आप बताइए कोई न्यूज तो नहीं ढंग का आया है, खाली प्रेमी प्रेमिका, आशिक आशिकाना, छौड़ा छौड़ी, यही सब न्यूज आ रहा है, भागा भगवल, यही सब न्यूज आ रहा है। दूसरा अगर कोई मुद्दा वाला न्यूज अगर आया हो तो आप हमको एक वीडियो दिखाइए, जब से मनीष कश्यप एनएसए लगाया चाहे जब से भीतर गया, दिखाइए। बिहार में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है तब ना न्यूज आ रहा है, कोई किसी को लेकर भाग रहा है तब ना न्यूज आ रहा है, बिहार में बलात्कार नहीं हो रहा है, तेजस्वी यादव जी लोग का सरकार आने पे क्या घटा हुआ है, क्राइम रेट घटा है? देखिए आपका बात मैं नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी मैं बताना नहीं, नहीं ये बोल रहे हैं कि अपराध बढ़ गया है तेजस्वी यादव के सरकार आने के बाद, अपराध बढ़ गया बात सही है, लेकिन पुलिस प्रशासन से आज आज ऐसा स्थिति पैदा कर दिया गया है कि हम लोग सवाल करने से भी अब हम लोग को जो है डर लग रहा है, डर का माहौल, डरिएगा नहीं, आप बोल रहे हैं ना डरिए मत। कल होकर जब रैली निकला था बंदी वाला, बंदी समर्थन में, आपको पता है कि मेरे मेरे गांव के ही 18 को लड़के को जो है अंदर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं डराने का कोशिश है कि नहीं, तो जब वो चीजें मैं देखूंगा तो मैं भी तो पीछे हटूंगा ना, मैं भी तो किसी अधिकारी के पास जाने से डरूंगा। आज जाकर देखिए स्कूल में क्या हो रहा है, प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक है पढ़ाते कम है, लौंडियाबाजी ज्यादा कर रहे हैं, वो सब वीडियो आ रहा है, नहीं आ रहा है क्यों, और ये डर ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, फिर जेल का ताला टूटेगा, मनीष कश्यप छूटेगा, और मनीष कश्यप जिस दिन फिर आएंगे तेरे बिहार के तरह ऐसे ही माइक उठाकर रिपोर्टिंग करेगा और हम लोग फिर उनके पीछे रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ पे तमाम पत्रकार लोग हैं, समाज के लिए आवाज उठाते हैं, आईना आईना दिखाते हैं, एनएसए मनीष कश्यप पर लगा, क्या मनीष कश्यप पर एनएसए लगना सही है या गलत है, बोलिए? नहीं लगना चाहिए, क्यों? गलत है, गलत, क्योंकि मनीष कश्यप कहीं जाके बम नहीं फोड़े थे, कहीं डकैती नहीं किए थे, कहीं देशद्रोह गए थी नहीं गए थे, नहीं लगना चाहिए था, लेकिन बस तनाशाही है, तनाशा करके उन पर एनएसए लगाया गया है, क्योंकि अभी एनएसए लगा के यहाँ नहीं तमिलनाडु भेज दिया गया, भेजने के बाद में ये यहाँ रहेंगे ना, यहाँ से उनको जमानत दिया, ऐसे किया गया। लगने का जो ये जो बोल रहे हैं आप, एनएसए जिसने लगाया है ना उससे ज्यादा दोषी मैं अपने जिले का मोतिहारी और बेतिया खास करके जो विधायक है सांसद है इनको मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं क्यास लगा रहे थे कि बीजेपी समर्थक है, बीजेपी समर्थन में है, चोर पार्टी का भी समर्थन करता है क्या, जिसके नेता विधायक सांसद खुद चोर है, जिसके सांसद विधायक नेता 80% चोर है, दागी है, जिनके ऊपर केस चल रहा है, वो क्या किसी का समर्थन करेंगे मनीष कश्यप को बाहर निकालने का काम करेंगे? लोगों के मन में कहीं ना कहीं भरम था कि मनीष कश्यप के सपोर्टर बीजेपी वाले हैं, भरम दूर हो गया ना, लेकिन भरम दूर हो गया, लेकिन इन लोगों ने दिखा दिया कि जो सच के लिए आवाज उठाएगा उसके पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है। बीजेपी भी ये भी याद रखे कि आज मनीष कश्यप और सच का साथ आप लोग नहीं दीजिएगा तो अगले बार चुनाव में आप लोगों का भी हिसाब किताब ऐसा ही होगा जैसे कि अभी जो स्थिति कांग्रेस का बना हुआ था बिहार में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम लोग और हम लोग खास करके सोशल मीडिया के छोटे छोटे पत्रकार हैं, हम लोग तो और जो है जनता के बीच जाएंगे और जनता से मनीष कश्यप के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और जो जनता राय रखेगी उसको हम लोग डालेंगे और जो जनता देखेगी तब समझ में आएगा कि हाँ कि जनता के मन में क्या है, बीजेपी वाले सही हैं या आरजेडी वाले सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में अभी जो हमारे जिले के जो सांसद और विधायक हैं ये सबसे बड़े दोषी हैं मनीष कश्यप के एनएसए। पहले ही लोग थोड़ा थोड़ा कुल बुलाए थे लोग, शुरू शुरू में मैंने बाइट लिया है,
कुछ कुछ बीजेपी के मंत्री शुरू शुरू में कुछ बोले लोग, बाइट दिए लोग मनीष कश्यप के समर्थन में, लेकिन बाद में ये लोग साइड ले लिए। पता नहीं अचानक इन लोगों को क्या हो।